अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, गांव या शहर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप इसको 1,000 से 1,00,000 भी कमा सकते हैं, 1,00,000 लगा के 10,00,000 भी कमा सकते हैं, यानी छोटे और बड़े दोनों में शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, GST नंबर, FSI नंबर, और इसके सबसे सस्ता बाज़ार कहाँ है, इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हम कई रुपए किलो पाएंगे, कितना रुपए किलो बेचेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट है, और जो है इसको आप अगर एकदम नए हैं तो कैसे करें, कैसे प्रॉफिट करें, कैसे पैकिंग करें, कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, क्या क्या करें, A to Z जानकारी देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सुपारी का व्यंजन। जैसे जानते हैं मसाले में भी प्रयोग होता है, यानी मसाला, खाने वाला मसाला इसमें प्रयोग होता है, पान की दुकानों में प्रयोग होता है, तो पान वाले इकट्ठा नहीं लेते हैं, वो 1 किलो, 1/2 किलो, 2 किलो लेते हैं। तो अगर आप इसमें खाली हैं तो इसको टहलते हुए भी अपना काम कर सकते हैं, टहलिए अपना बेचिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम भी करेंगे तो भी 1,000, 1,500, 2,000 आप कमा सकते हैं। आप पहले सीख लीजिए, सीखने के बाद इसको बड़ा उद्योग करिए, बड़े में आप अपना उद्योग भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें आपको बता दें, अगर शुरुआत आप कर रहे हैं 10, 20, 50 किलो से, तो आपको कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी 50,00,000 का टर्नओवर साल में है तो आपको कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको कागज़ की क्या क्या ज़रूरत हो वो हम इसलिए बता देते हैं, जैसे आपको कोई और वीडियो ना देखना हो, A to Z हम जानकारी इसीलिए अपने एक ही वीडियो में दे देते हैं। आप कभी भी बड़ा में करना हो, ये आपके पास वीडियो सेव रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार वीडियो देख के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कभी फेल नहीं होंगे। कागजात की बात करें दोस्तों, आपको एक रूम चाहिए, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। रूम इसलिए चाहिए जो कागज़ की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी उसको मार्केटेड बाय करने के लिए या ऑफिस बनाने के लिए। अब आपको एक GST नंबर लेना होगा, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, जैसे हमने पहले से बता दिया है कि आप शुरुआत में नहीं लेना, हम फिर भी बता दे रहे हैं। तो ये दोस्तों फिनटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप ये कागज ले सकते हैं। उसके बाद ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट आता है, तो फूड प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको FSAI नंबर लेना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो है 12,00,000 के नीचे का आपका साल का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन, 12,00,000 के ऊपर का है तो स्टेट लाइसेंस, और उसके बाद 20 लाख से ऊपर का है तो सेंट्रल। अभी आपको उसमें नहीं जाना है, फिर भी जानकारी के लिए। अब आपको एक और कागज़ की ज़रूरत होगी, उद्योग आधार नंबर। अगर उद्योग आधार नंबर दोस्तों आप करा लेते हैं तो उसमें सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से कम ब्याज पे लोन मिल सकता है, बाकी कोई ये कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों और क्या ज़रूरी है, ब्रांड नेम। अब आप जब बेचने जाएंगे तो आपका एक ब्रांड नेम होना चाहिए। ब्रांड नेम दोस्तों आप अपने इच्छा अनुसार करके एक लोगो डिजाइन करवा लीजिएगा, जिससे आपका जो है पॉपुलर होगा, आपकी उससे पहचान होगी। अब उसका आपको ब्रांड नेम जो आपने चॉइस किया है उसको आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए लेना पड़ेगा कोई और इसका कॉपीराइट ना करा ले, आज आपने मेहनत किया कल कोई और कॉपीराइट करा लेता है, इसलिए ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी होता है। तो ट्रेडमार्क कैसे करवाएं, आप गूगल पे सर्च करेंगे, उनके एजेंटों का नंबर मिल जाएगा, आप उन्हें उनके एजेंट के जो है ऑफिस जाके विजिट करिए, तब वहाँ से करवाइएगा, ऐसे ऑनलाइन पेमेंट मत करिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है पैकिंग अट्रैक्टिव, आपकी जो भी पैकिंग रखी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी से ही बिकता है, क्वालिटी उसकी पैकिंग सब कुछ बेटर होना चाहिए। अब आप बात करें दोस्तों उस पर लिख लीजिएगा प्रीमियम क्वालिटी, MRP इसकी कोई फिक्स नहीं है, आप मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा, सर्वे करने के बाद जो आपको रेट सब कंपनियों ने रखा है उससे 10-20 इधर उधर कर दीजिएगा। अगर आप MRP ज़्यादा रख रहे हैं तो थोड़ा डील डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब उसके एक्सपायरी 1 साल, होममेड लिख दीजिएगा। अब आपको एक चीज़ और लेना पड़ेगा दोस्तों, पावर सीलिंग मशीन दोस्तों आप काटा बाट की दुकान से ले सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मिलता होगा, या जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान वो लोग भी रखते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, 800 से शुरू होती है 2,000 तक आप कोई भी मंगा सकते हैं। अब पैकिंग कैसे करना है आप इसको जान लीजिए, फिर हम बात करते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, आपको क्या रेट मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा। अब आप इसको पहले जान लीजिए। अब दोस्तों आपको इसी तरह से आपको थैला ले लेना है, ये थैला में देखिए दोस्तों इसी तरह से होता है, ये आपको इसमें आपको फीलिंग मशीन भी नहीं लेना होगा, इसी तरह से खुल जाता है, इसमें आप पैक कर दीजिए, छोटी बड़ी मतलब आप जो भी साइज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, 240-245 रुपये किलो आता है। और दोस्तों इसी तरह से आपको स्टीकर छपवा लेना है, ये देखिए
इसी तरफ ही आप अपने नाम का MRP एक्सपायरी सब कुछ इसी पे एंट्री होगा। स्टिकर छिपवा के आप छोटे छोटे इसमें कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये तो बड़े भी छपवा सकते हैं, इसी पे आपको पीछे लगा देना है जिससे आपकी पहचान होगी। अगर आप फिलिंग यानी पाउच मशीन लेते हैं और उसका जो है डिजाइन करवाते तो 1,00,000 रुपये यानी आपको लग जाता है इसको कलर में लेने पे, या कलर में आती भी हैं पन्नी वह भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उस पर भी अपने नाम का स्टिकर लगा के ये शुरुआत कर। ये हो गया आपका पैकिंग का। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कहाँ है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, असम, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे इसकी खेती होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा होगा, लेकिन अभी आपको वहाँ से नहीं शुरू करना है। अभी आपको कैसे शुरू करना हम आपको बताते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे नागपुर संतरा नगरी को सुपारी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहाँ है, खारी बावली दिल्ली, यहाँ पे अपने यहाँ से भी पूरे स्टेट के सारे स्टेट के जो भी मसाला होते हैं यहाँ पे खारी बावली में आपको मिल जाएगा, वो भी रेट से, और विदेशों से भी यहाँ पे मसाले ड्राई फ्रूट यहाँ विदेशों से मिलते हैं। तो खारी बावली दोस्तों आप चले जाएंगे, अभी नहीं जाना, जानने के लिए बता दें तो जाएंगे तो आप वहाँ टहलिए घूमिए, दिल्ली भी टहल लीजिए घूम लीजिए, उसके बाद आप वहाँ से बात करेंगे, बात करने के बाद वहीं पीछे पीछे लगे रहेंगे जो और कस्टमर बात कर रहे हैं, देखिए किस ढंग से वो बात कर रहे हैं। अभी आप नए हैं तो उनकी कुछ बातों को आप अपने में चुरा लीजिएगा, फिर आप बात करिएगा जो वहाँ पे एजेंट हैं, जो थोक वाले हैं, आप उनसे कहिए मेरा काम दूसरे के यहाँ से होता, अब आपके यहाँ से लूँगा, 4 क्विंटल 5 क्विंटल लूँगा, क्या रेट है, एक के लिए लीजिए, दूसरे से लीजिए, तीसरे से लीजिए, इसी तरह से एक बार जानकारी ले लीजिएगा। जानकारी लेने के बाद एक बार आप वहाँ से जाके देख के क्वालिटी देख के आप माल ले लीजिएगा, उसके बाद आप घर बैठे आप माल मंगा सकते हैं, फिर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे माल वो भेज देंगे, आप पेमेंट कर दीजिए। ये तो हो गया आपका मार्केट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, आपका दिल्ली खारी बावली है, अगर आप दिल्ली के आस पास हैं तो वहीं से उठा लीजिए, आप दूसरे स्टेट में हैं या आपकी स्टेट में जहाँ पे इसका उत्पादन होता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, तब तो आप तो दोस्तों जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अपने ही, अब आप अभी ये आप हो गया ये थोक में आप करना हुआ फुटकर, अब आपको कैसे खरीदारी करना है, जैसे दोस्तों अभी आपको जो है दिल्ली अगर आस पास हैं तो ठीक है, या आपके स्टेट से हैं जहाँ पे पैदा होता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, जो अगर अदर स्टेट से जहाँ पे इनका उत्पादन नहीं होता है वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मसाला का थोक काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का थोक काम करते हैं, वो एक प्रकार के कमीशन एजेंट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रेट हम दोस्तों इसलिए नहीं बता रहे हैं, आज वीडियो बना रहे हैं कुछ रेट है कल का कुछ रेट है, तो एक एग्जाम्पल के लिए एक फार्मूला हम आपको समझाते हैं। चलिए मान लीजिए आज आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ पे 300 रुपये किलो है, तो आपको खारी वाली में क्या रेट मिलेगा, आपको असम में क्या रेट मिलेगा, तो जैसे दोस्तों आपका वहाँ पे 300 रुपये है तो खारी वाली आप जाएंगे तो कितने मिलेगा, 250 रुपये, यानी 50 रुपये का अंतर आपको मिलेगा। यही चीज़ अगर आप आसाम से लेते हैं तो 200 मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको उठाने में किराया भाड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप कुंतल में काम करेंगे 10 क्विंटल 20 क्विंटल 30 क्विंटल तब आपको वहाँ से पड़ता पड़ेगा। अभी आपको छोटे में शुरुआत करना है, अगर हम दोस्तों छोटे से शुरुआत करते हैं कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे, हमको जमीनी हकीकत पता चलेगा। आप जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग तो प्लांट सब डाल लेंगे, पैसा है आप डाल लेंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है सेल्स में होती है, हमारे पास सेल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी आपको सेल्स का नॉलेज लेना है, एक सेल्फ टीम तैयार करना है, जब आपको मार्केट का सेल्स का नॉलेज हो जाएगा, दुकानदारों से आपकी पकड़ हो जाएगी, तब आप एक सेल्फ टीम बनाइए, सेल्फ टीम बनाने के बाद तब तक आपके पास पूंजी भी हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट चाहे खारी बावली से मंगाइए चाहे असम कर्नाटक तमिलनाडु से मंगाइए, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप बड़े में करिए और बड़े में स्थापित कर दीजिए। चलिए समझने के लिए आपकी स्टेट में 300 तो खारी बावली ये बता दिया, तो आप अभी अपने यहाँ से 10 किलो 20 किलो 50 किलो की जो 30 किलो 25 किलो की बोरी आती है एक बोरी उठाइए, 50 किलो की बोरी आती उतना उठाने के बाद उसको आपको जैसे हमने दिखा दिया पाउच, इसी ढंग से 0.5 किलो 1 किलो पाउच करिए, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको दीजिए, जो पान लगाते हैं उनको दीजिए, और बड़े में जब करना हो तो आप जो मसाला वाले बिजनेस करते हैं
माने पान गुटखा ये सब आप उनको दीजिए, तो इस ढंग से आप करेंगे तो फेल नहीं होगे। अब प्रॉफिट की हम बात करते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे होता है आप बोरा लेते हैं दोस्तों, और जो किलो लेता है कम से कम 10% 15% का अंतर होता है, इससे कम का नहीं होता, क्योंकि वो भी जो किराना वाला उठा रहा है थोक वाले के यहाँ से वो भी 10% ले रहा है, फिर आके वो पान वाले के दे रहा है वो भी 10% ले रहा है, यानी कि वो 3-4 स्टेप हो जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट से जो माल उठाएगा फिर लाएगा अपने बाज़ार में, अपने बाज़ार से उनके यहाँ से आप देखते होंगे छोटे दुकानदार ले जाते हैं, फिर छोटे दुकानदार से पान वाले ले जाते हैं, यानी 5-5 15% हो गया, तो आपका 5% आपका होगा जब आप 50 किलो का बोरा उठाएंगे, तो ये आपको दूसरा रेट लगाएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, तो आपको यहाँ पे दूसरा रेट, तो अगर आपको 15% मिल रहा है, आपने एक दिन में जो है 50 किलो 60 किलो 70 किलो खर्च हो ही जाएगा, जैसे एक एक किलो का करिए, छोटे छोटे दुकानदार कोई 1 किलो लेगा, कोई 2 किलो लेगा, कोई पान वाला 1 किलो लेगा, कोई पान वाला 2 किलो लेगा, क्योंकि पान बहुत बिकता है, तो पान वाले क्या करते हैं 1 किलो 2 किलो उनके यहाँ रोज डेली खपत ही होते, तो आप एक टर्न बना दीजिएगा, भैया हम हर सोमवार को आपके यहाँ आएंगे, इसी तरह से 4-5 मार्केटों का आप टर्न बना लीजिए, वहाँ वीकली हर सप्ताह वहाँ पर जाके आप दीजिए, तो अगर आप एक मान लीजिए आपने 300 रुपये किलो के हिसाब से लिया है, तो आपका 15% यानी 350 यानी 345 में आपका बिकेगा, तो उससे आपका कितना 1 किलो पे 45 रुपये आ गया, अगर आपने 50 किलो भी बेच दिया तो 5×20 50×25 यानी 2200-2300 रुपये की आपकी एक दिन की इनकम हो जाएगी दोस्तों। इस ढंग से आप करेंगे तो आपको एक नॉलेज भी हो जाएगा, मार्केट का भी नॉलेज हो जाएगा, जब आपको ये मार्केट का पूरा ज्ञान हो जाए और मार्केट की पूरी पकड़ हो जाए, तब आप दोस्तों कुंतल उठाइए, 5 कुंतल उठाइए, 10 कुंतल उठाइए, तब आप फेल नहीं होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर क्यों फेल हो जाते हैं, कंपनी तो सब डाल देता है, मेन सेल्फ की बात होती है, हमारा अपना अनुभव है दोस्तों। तो इस ढंग से अगर आप शुरुआत करेंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से माल उठाइए, छोटे छोटे किसान दुकानदारों को दीजिए, पान वालों को दीजिए, ऐसे आपको नॉलेज होते होती है, फिर आप आगे बढ़िए, फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, इसी तरह से आप करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। और कोई अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं दोस्तों उसकी भी जानकारी हमारे पास होगी हम देंगे, नहीं तो मार्केट से लेके आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों, अपना बिजनेस डालें और आगे बढ़ें, क्योंकि सबको बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी को खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करके अपने इंडिया की भारत की इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम इसी तरह से और कोई वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों। आपने तो ये शेयर कर ही दिया होगा अपने यार दोस्तों के पास, अगर नहीं शेयर किया है दोस्तों यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ हेल्प मिल जाए दोस्तों। और अपना कोई भी अच्छा सा जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपने जो 10 से 15 मिनट का समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।